अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने वालों, आपको ज़ुबैर का सलाम। व्यूअर्स, ये पैरोट मछली मैंने परचेज़ की है, तकरीबन 10 किलो 700 ग्राम के 8 दाने हैं। और ये मछली खाने में बड़ी टेस्टी मछली है, पैरोट मछली। और इसका जो गोश्त है वो हीरा मछली से मिलता है टेस्ट वाइज। लेकिन इसमें ये कि इसकी खाल थोड़ी हार्ड है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसका गोश्त हीरे के मुकाबले में, हीरा थोड़ा सॉफ्ट है, इसका गोश्त थोड़ा सा उसके मुकाबले हार्ड है, बस ये है। ये हीरा मैंने मेरे क्लाइंट को 500 रुपये किलो के हिसाब से दिया है। व्यूअर्स, अच्छा, ये हीरा अपना पैरोट मछली है, ये अरब मुल्कों में बड़ी मशहूर है। सऊदी अरब से मुझे मैसेज आते रहते हैं, वहाँ पे जैसे हमूर मछली गिस्सर बहुत महंगी है, मशहूर है, इस तरीके से इसकी भी बहुत डिमांड है सऊदी अरब के अंदर इस मछली की। मुझे तो वर्ल्ड वाइड मैसेज आते हैं ना, तो मुझे इसलिए मेरे इल्म में इजाफा होता रहता है, तो आपके भी नॉलेज में आ जाए ना ये बात। लेकिन मुझे हीरे के बारे में थोड़ा आपको एक और अपडेट कर दूं, इसका जब मैंने 10 किलो 700 ग्राम के 8 दाने लिए थे मैंने, तो जब मैंने इसका वज़न कराया, इसका सर निकला के, तो इसके 5 किलो 400 ग्राम निकला ना, यानी वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। आप देखें, सर भी इसका बड़ा है, फिर इसका पेट साफ़ हुआ, फिर ये इसके छिलके उतर गए, फिर इसकी दुम कट रही है, यानी आप अंदाज़ा करें हाफ बचा था। 10.7 किलो का 5.4 निकला। मैंने इसका एक बार बोनलेस भी कराया था, मुझे याद पड़ता है काफ़ी कम निकला था, 40% के करीब तकरीबन निकला था ना, 38 या 40% निकला था। तो ये आपके इल्म में हो कि इसकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। ये देखें इसका चमड़ा, ये देखें काफ़ी हार्ड है इसका चमड़ा। अली बाबू भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको 3 किलो मछली मिल जाएगी, ठीक है ना। आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें 3 दिन में, या टावर से या फिशरी से आप मुझसे फ्री में मछली ले सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये अली बाबू भाई का नाम निकला है, जो लास्ट कुरान दादी में लास्ट वीडियो में मैंने कहा था ना 3 किलो मछली का, वो मैं गलती से कह दिया 3 दिन में रब्ता करें। रब्ता भाई आप अभी कर सकते हैं ना, 1 मिनट में कर सकते हैं, 3 दिन में मछली आपको मिलेगी, सही है ना। वैसे आप मेरे से फिशरी से ले जा सकते हैं, ठीक है ना, या टावर से भी आप ले जा सकते हैं, मेरा घर उसी तरफ है ना। आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई।
और ये मैं कुरानदाजी करता हूँ खुलूस नीयत के साथ किसी के। देखो मछली एक दो कमेंट आए थे कि जुबेर भाई मछली यार आप हमें नहीं देते हो। देखें अब जिसका नाम निकले ना, ये मैंने रखा इसीलिए कि कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए, सही है ना। अब लास्ट जो मैंने जिनको दी थी उनका भी बता देता हूँ, वो गुलशन इकबाल सिंधबाद गुलशन इकबाल की तरफ उनकी रिहाइश थी, नाम तो उनका आपने सुन लिया था। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता किसी का ना, वो जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, सही है ना। तो जिनका नाम निकलेगा मैं उसके बारे में बता दूंगा कि वो किस एरिया से है ना। मैं अब किसी का लाहौर से निकल आया या पिंडी से या सऊदी अरब से मैसेज मुझे सब वर्ल्ड वाइड करते हैं, तो मैं बता दूंगा आपको कि भाई वहाँ फला जगह से बंदे का नाम निकला है ना। मैंने प्लानिंग यही की थी जब मैंने ये सोचा था कि एक महीने में 3 कुरानदाजियाँ करूँगा ना, एक महीने में। तो माशाल्लाह मेरा मेरे 2 महीने हो गए तकरीबन, ये शायद 6 कुरानदाजी है ना, तो एक सिलसिला चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा।